वेलकम बैक टू माय चैनल, दिस इज़ प्रियांशु। तो आज हम केमिकल्स, एंजाइम्स एंड अदर बायो एक्टिव मॉलिक्यूल्स की एनसीईआरटी पढ़ने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। माइक्रोब्स आर आल्सो यूज्ड फॉर कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ऑफ द सर्टेन केमिकल्स लाइक ऑर्गेनिक एसिड, एल्कोहल्स, एंजाइम्स। एग्जाम्पल ऑफ एसिड प्रोड्यूसर्स एज एस्परजिलस नाइगर, अ फंगस ऑफ सिट्रिक एसिड, एसिटोबैक्टर एसिटाई of acetic acid, Clostridium butyricum is a bacteria of butyric acid, and Lactobacillus a bacterium of lactic acid. तो इस पैराग्राफ में हमें क्या बताया जा रहा है? बताया ये जा रहा है कि जो मॉलिक्यूल्स हैं, सॉरी जो माइक्रोब्स हैं, वो कमर्शियल और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में भी हेल्प करते हैं, जो कि कुछ केमिकल्स को या ऑर्गेनिक एसिड, अल्कोहल, एंजाइम्स, ये सारी चीज़ों को बनाने में हेल्प करते हैं। ठीक है, जैसे कि एस्परजिलस नाइगर एक फंगस है जो कि सिट्रिक एसिड को प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है। सेकंड इज एसिटोबैक्टर एसिटाई विच हेल्प्स इन मेकिंग ऑफ एसिटिक एसिड, क्लॉस्ट्रीडियम ब्यूटिलिकम जो कि एक बैक्टीरिया है विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ब्यूटिरिक एसिड, और लैक्टोबैसिलस विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ लैक्टिक एसिड। तो लैक्टिक एसिड वाला तो हम सब जानते हैं, राइट? तो इसे तो बिल्कुल याद करने की ज़रूरत ही नहीं है। चलो ठीक है फिर भी, लेकिन लैक्टोज से आप याद रखना लैक्टिक एसिड प्रोडक्शन में। ठीक है, जैसे क्लॉस्ट्रीडियम ब्यूटिलिकम लास्ट में है तो ब्यूटिरिक एसिड। ओके, एस्परजिलस नाइगर है, ये थोड़ा सा डिफरेंट है, तो आप इसको एक फंगस है क्योंकि ये एस्परजिलस ही ऐसा है जो कि इन चारों में से फंगस है और सिट्रिक एसिड को प्रोड्यूस करता है। एसिटोबैक्टर एसिटाई को आप एसिटिक एसिड से मतलब याद कर सकते हो। ठीक है, आता है ईस्ट, जिसको हम सकारोमाइसिस सर्वेसिया भी कहते हैं, इज़ यूज फॉर कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ एथेनॉल। माइक्रोब्स आर ऑल्सो यूज फॉर प्रोडक्शन ऑफ एंजाइम्स। लाइपेजेस आर यूज इन डिटर्जेंट फॉर्मुलेशन एंड आर हेल्पफुल इन रिमूविंग ऑयल स्टेन्स फ्रॉम लॉन्ड्री। तो इसमें हमें क्या बताया है कि जो ईस्ट है, ईस्ट भी कमर्शियल प्रोडक्शन मतलब ईस्ट भी एथेनॉल बनाने में हेल्प करता है। ठीक है, हेल्प क्या करता है, विच इज़ यूज टू मेक एथेनॉल, राइट? तो ईस्ट को हम सैकेरोमाइसिस सर्वेसिए कहते हैं। फिर है कि जो माइक्रोब्स हैं वो कुछ एंजाइम्स को भी प्रोड्यूस करते हैं, जैसे कि लाइपेज जो होता है वो डिटर्जेंट फॉर्मुलेशन में हेल्प करता है, यानी जो आप अपने घर में डिटर्जेंट्स यूज़ करते हो ना, उसमें लाइपेज होता है। ठीक है, और ये जो डिटर्जेंट होता है ये तो हमें पता है कि ऑयल स्टेन्स हटाने में हेल्प करता है। जैसे आप कपड़े धोते हो तो या तो तेल लगा होगा या कुछ लगा होगा तभी तो धोते हो ना, तो कपड़े धोने में ये जो डिटर्जेंट यूज़ होता है इसमें लाइपेजेस होते हैं। यू मस्ट हैव नोटिस दैट बॉटल्ड फ्रूट जूस बॉट फ्रॉम मार्केट आर क्लियरर एज़ कम्पेयर टू दोज मेड एट होम। तो आप लोगों ने ये तो ज़रूर नोटिस किया होगा कि जो आप घर में जूस बनाते हो वो थोड़ा सा गाढ़ा गाढ़ा सा रहता है, लेकिन जो हम मार्केट से ख़रीदते हैं वो क्लियर रहता है, मतलब एकदम पानी सा रहेगा, लेकिन उसका जो टेस्ट है वो टेस्ट वही टेस्ट देगा जो कि एक घर का जो बनाया हुआ जूस होगा वो टेस्ट देगा, लेकिन उनमें जो क्लियरिटी है, क्लियरिटी मार्केट वाले में ज़्यादा रहती है। तो ऐसा क्यों? दिस इज़ बिकॉज द बॉटल्ड जूस आर क्लेरिफाइड बाई यूज़ ऑफ पेक्टिनेस एंड प्रोटीज। तो ये इसलिए रहते हैं क्योंकि उसमें उस चीज़ को क्लियर करने के लिए पेक्टिनेस और प्रोटीज का यूज़ किया जाता है। स्ट्रेप्टोकाइनेस प्रोड्यूस्ड बाय बैक्टीरियम स्ट्रेप्टोकोकस एंड मॉडिफाइड बाय जेनेटिक इंजीनियरिंग इज यूज्ड एज क्लॉथ बस्टर फॉर रिमूविंग क्लॉथ्स फ्रॉम द ब्लड वेसल्स ऑफ पेशेंट्स हु हैव अंडरगॉन मायोकार्डियल इन्फेक्शन लीडिंग टू द हार्ट अटैक। अब स्ट्रेप्टोकोकस को प्रोड्यूस क्या करता है? स्ट्रेप्टोकोकस स्ट्रेप्टोकाइनेस को प्रोड्यूस करता है बैक्टीरियम स्ट्रेप्टोकोकस। ठीक है, और इसको मॉडिफाई कर दिया जाता है जेनेटिक इंजीनियरिंग से, जो कि एक क्लॉट बस्टर की तरह यूज़ होता है, यानी कि जो ब्लड वेसल्स में जो क्लॉट्स हो जाते हैं जिसकी वजह से हार्ट अटैक आ सकता है, उसको क्लॉट को हटाता है। अनदर बायो एक्टिव मॉलिक्यूल साइक्लोस्पोरिन ए दैट इज़ यूज एज एन इम्यूनोस सुप्रेसिव एजेंट इन ऑर्गेन ट्रांसप्लांट।
पेशेंस इज प्रोड्यूस्ड बाय द फंगस ट्राइकोडर्मा पॉलिस्पोरम. स्टैटिन प्रोड्यूस्ड बाय ईस्ट मोनास्कस पर्प्यूरस हैव बीन कमर्शलाइज्ड एज ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोवरिंग एजेंट. इट एक्ट्स बाय कॉम्पिटिटिवली इनहेबिटिंग द एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर सिंथेसिस ऑफ क्लॉस्ट्रिडियम. सो दिस वॉज ऑल एनसीईआरटी रीडिंग.